अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी रेसिपी है दुल्हन पराठा। तो चलिए इसको हम अपने स्टाइल में बनाते हैं, बनाना शुरू करते हैं। तो एक चम्मच हम शुगर लिए हैं, 1 पिंच अजवाइन लिए हैं, 2 चम्मच खसखस लिए हैं, 1/2 टेबल स्पून हम नमक लिए हैं, 2 चम्मच देसी घी लिए हैं, 1 अंडे लिए हैं। ये सब हमारे पराठे में जाएगा डो तैयार करने में। और 1 कटोरी हमने मैदा लिया है, 1/2 कप हमने मिल्क लिया है, और ये पानी है। हम इसी में पानी को डाल के अपना डो तैयार करेंगे। सारे सामान को हम इसी में डाल देंगे। हमने सारे सामान इसमें ऐड कर दिए हैं। अब 1 अंडे हम इसमें डालेंगे। और घी, घी आपके पास अगर देसी ना हो तो रिफाइंड ऑयल से भी आप बना सकते हैं। हाथ हमने पहले से वॉश कर लिए हैं। अब इसको हम इसका डो तैयार करेंगे स्मूथ सा। पहले हम सारे मिला लेंगे अच्छे से, थोड़ा दूध डाल के स्मूथ सा इसका डो रेडी करेंगे इस तरह से। डो हमारा रेडी हो गया है। इसको हम 1/2 घंटे के लिए रख देंगे। रखने से पहले हम इसमें ऊपर से हल्का सा देसी घी लगा देंगे और इसको हम ढक के रख देंगे। 1/2 घंटे बाद हमारा डो रेडी हो जाए, अच्छे से सेट हो जाए। इसको को हमने गैस पे रख दिया है, जिसमें हमने 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाला है। आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं जो आपके घर में अवेलेबल हो। और 1/2 ये हम प्याज लिए हैं, इसको रिंग शेप में हम कट किए हैं। प्याज हमारी हल्के सौटे हो गई है, इसको केवल हमको कच्चापन इसका निकालना था। अब हम 1/2 गाजर क्रश करके रखे हैं, इसको भी हम इसमें हल्का सा सौटे करेंगे। हमारा ये चिकन था जिसको हम बॉईल करके इसका रेशा रेशा अलग कर दिए हैं। इसका हम स्टफिंग तैयार करेंगे। इसकी हम चिकन को हम अच्छे से भून लेंगे और जिसमें हमारा मसाला जाएगा, ये तंदूरी मसाला 1 टेबल स्पून है, काली मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून ये रेड चिल्ली पाउडर है, और 2 हरी मिर्च हमने कट करके लिया है, 1/2 टेबल स्पून ये नमक है हमारा। चिकन में हमने थोड़ा नमक ऐड किया था, इसलिए हम नमक अपना थोड़ा कम डाल रहे हैं। अब सारे मसालों को हम एक साथ इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा हमारा कलर आया है तंदूरी मसाले से। अगर आपके पास नहीं है तो आप हल्दी पाउडर डाल दीजिए। तो अब ये हमारा हो चुका है। अब हम इस स्टेज पे गैस बंद कर देंगे। तो हम अपने आटे को देख लेते हैं। तो 1/2 घंटे हमारे हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं। आटे हमारे सेट हो चुके हैं। इसको हम और थोड़ा मसल लेंगे। इस तरह हमारा डो बिल्कुल रेडी है। अब हम मैदा हमने डाल दिया है, अब इसको हम बेलेंगे। इस तरह से बढ़ाते हुए पराठे को हमने बेल के बिल्कुल रेडी कर लिया है। अब इस पर हम वापस घी लगाएंगे पूरी लेयर पे, पूरी चम्मच से। अब इसको हम इस तरह मोड़ेंगे बढ़ाते बढ़ाते। ये देखिए आपको इस तरह बनाना है, इसको इस तरह हमको पूरा बनाना है। इस तरह आप भी बना लें, आपको इस तरह करते हुए बनाना है ऐसे इस पोर्शन में।
फिर से हम थोड़ा घी लगाएंगे इसके ऊपर। मैदा हम नीचे थोड़ा डस्ट करेंगे, फिर हम बेलेंगे। यूँ आराम आराम से बेलना पड़ेगा हमको। घी बहुत ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा हमको हाथों से मदद लेते हुए बेलना है इसको। आटा देखिए हमारा बिल्कुल बेल गया है। अब हम इसको तवे पे डाल देंगे। तवा गरम हो रहा है, अब इसको हम सेकेंगे। हमने इसमें नहीं डाला है, ऐसे हम इसको सेक रहे हैं। एक साइड का हो गया है ये, अब हम इसको पलट देंगे। दोनों साइड का हम सेक लेंगे। हल्का हल्का हम इसमें ऊपर से अब ऑयल लगा देंगे इस तरह से। पराठा हमारा दोनों साइड का देखिए गोल्डन ब्राउन सिक गया है, कितना खूबसूरत दिख रहा है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। इस पे चिकन डाल रहे हैं भाई, दुल्हन पराठा है तो इसको दुल्हन की तरह सजाना भी तो है। तो अब हम चलते हैं इसको सजाने। तो इस पे हम अपना चिकन डाल दिए हैं, इस तरह फैला देंगे। इस पे एग लगाएंगे इस तरह से, ताकि हमारा दुल्हन पराठा बिल्कुल दुल्हन की तरह सज जाए। ये देखिए अब हम कुछ प्याज इस पे लगाएंगे। अब इसमें हम कुछ काजू और बादाम से इसको सजाएंगे इस तरह। देखिए हमने अपने दुल्हन पराठे को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा के रेडी कर दिया है। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।